बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलियट एज अ क्रिटिक। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर: नंबर वन, इंट्रोडक्शन। नंबर टू, इलियट मेड इंग्लिश क्रिटिसिज्म लुक डिफरेंट। इलियट ने अंग्रेजी तनकीद नगारी को मुख्तलिफ दिखाई देने वाला बना दिया। नंबर थ्री, रिजेक्शन ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमानियत की तरदीद। नंबर फोर, इम्पर्सनैलिटी ऑफ अ पोइट, शायर की लाशख्सियत। नंबर फाइव, ऑब्जेक्टिविटी, जानबदारी या खारजियत। नंबर सिक्स, कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। इलियट एज अ क्रिटिक, इलियट बतौर एक तनकीद नगार यानी नकाद के तौर पर। टीएस इलियट इज वन ऑफ द पोएट क्रिटिक्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम सर फिलिप सिडनी टुडे। टीएस इलियट शायर तनकीद नगारों में से एक है एक्सटेंडिंग फैलते हुए फ्रॉम सर फिलिप सिडनी से लेकर आज तक, इंक्लूडिंग बेन जॉनसन, जिसमें शामिल हैं बेन जॉनसन, ड्राइडन, जॉनसन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड आर्नोल्ड शामिल हैं। इलियट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिक्स ऑफ इंग्लैंड। इलियट इंग्लिस्तान के अजीम तरीन अदबी तनकीद नगारों में से एक है, बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बल्क एंड क्वालिटी ऑफ हिज क्रिटिकल राइटिंग्स। बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों नुक्ता नजर से उसके बड़ी तादाद में और क्वालिटी और मेयार ऑफ हिज क्रिटिकल राइटिंग, उसकी तनकीदी लिखाइयों का। हिज 500 एसेज पब्लिश्ड एज रिव्यूज एंड आर्टिकल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसके 500 मजामीन शाया हुए रिव्यूज के तौर पर, जायजे के तौर पर और मजामीन के तौर पर फ्रॉम टाइम टू टाइम वक्त के साथ साथ। दे हैव अ फार रीचिंग इन्फ्लुएंस ऑन द कोर्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड। दे हैव अ फार रीचिंग इन्फ्लुएंस, वो दूर तक पहुंचने वाला असर रखते हैं ऑन द कोर्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रास्ते पर या नसाब पर इन इंग्लैंड, इंग्लिस्तान में। जॉर्ज वाटसन सेज इलियट मेड इंग्लिश क्रिटिसिज्म लुक डिफरेंट। इलियट ने इंग्लिश क्रिटिसिज्म को मुख्तलिफ दिखाई देने वाला बना दिया। दो नॉट इन अ सिंपल सेंस, अगरचे एक सादा शऊर में नहीं, हिज क्रिटिसिज्म हैज बिन रेवोल्यूशनरी, उसकी तनकीद इनकलाबी रही है। ही हैज टर्न्ड द क्रिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द होल इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड अपसाइड डाउन। ही हैज टर्न्ड द क्रिटिकल ट्रेडिशन, उसने तनकीदी रवायत को बदल दिया है, ऑफ द होल इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, पूरी अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया की तनकीदी रवायत को बदल दिया है, अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ पलट दिया है। द सेक्रेड वुड वॉज पब्लिश्ड इन 1920। सेक्रेड वुड 1920 में शाया हुई, एंड सिंस देन हिज ऑडिटरी हैज स्टेडली इंक्रीज्ड, और उस वक्त से लेकर उसकी अथॉरिटी, उसका इख्तियार हैज स्टेडली इंक्रीज्ड, साबित कदमी से, मुश्किल मजाजी से बढ़ता गया है, बढ़ चुका है। जॉन हेवर्ड कहता है, आई कैन नॉट थिंक ऑफ अ क्रिटिक हु हैज बीन मोर वाइडली रेड एंड डिस्कस्ड इन हिज ओन लाइफ टाइम। आई कैन नॉट थिंक, मैं नहीं सोच सकता ऑफ अ क्रिटिक, एक तनकीद नगार के बारे में, हु हैज बीन मोर वाइडली रेड, जिसे वसी पैमाने पर पढ़ा गया है और डिस्कस किया गया है, बहस की गई है, इन हिज ओन लाइफ टाइम, उसकी अपनी जिंदगी में।
एंड नॉट ओनली इन इंग्लिश, और ना सिर्फ इंग्लिश में बट इन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज, बल्कि तकरीबन तमाम यानी हर जबान में एक्सेप्ट रशियन थ्रू आउट द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, सिवाय रशियन के पूरी सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, पूरी महज़ब दुनिया में। हाउएवर एज अ क्रिटिक इलियट हैज़ हिज फॉल्ट्स, तहम एक तनकीद नगार के तौर पर इलियट अपने नुकायस रखता है, एंड सम ऑफ देम आर क्वाइट ग्लेरिंग वंस, और उनमें से कुछ बिल्कुल चमकदार हैं, बहुत चमकदार हैं। समटाइम्स ही पॉन्टिफिकली एज्यूम्स द एटीट्यूड ऑफ अ हैंगिंग जज, बाज़ोकात वो गौर से इख्तियार कर लेता है द एटीट्यूड ऑफ अ हैंगिंग जज, एक मुअल्लक जज का रवैया इख्तियार कर लेता है। एंड इंस्टेड ऑफ सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग हिज प्रोनाउंसमेंट्स सेवर ऑफ आवर डिक्ट, एंड इंस्टेड ऑफ सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग और हमदर्दाना अंडरस्टैंडिंग फहमो फरासत की बजाय हिज प्रोनाउंसमेंट्स सेवर, उसके इजहार का मजा लज़त, प्रोनाउंसमेंट इजहार सेवर मजा ऑफ अ वर्डिक्ट एक फैसले का, इन द सेम वे ऑफन हिज क्रिटिसिज्म इज मार्ड बाय पर्सनल एंड रिलीजियस प्रेजुडिसेस, इन द सेम वे इसी तरह से ऑफन हिज क्रिटिसिज्म उसकी तनकीद अक्सर इज मार्ड को जरूर पहुंचाया जाता है बाय पर्सनल जाती एंड रिलीजियस प्रेजुडिसेस और मजहबी तसबा से। इन दिस रिस्पेक्ट ही डज नॉट लिव अप टू हिज ओन थ्योरी, इस तरह से इस लिहाज से ही डज नॉट लिव अप टू हिज ओन थ्योरी ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट्री, इस लिहाज से वो जिंदगी नहीं गुजारता है टू हिज ओन थ्योरी अपने नजरिए के मुताबिक ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट्री। ऑब्जेक्टिविटी जानबदारी और ला शख्सियत ऑफ पोएट्री, शायरी की जानबदारी और ला शख्सियत के अपने नजरिए के मुताबिक। लाइकवाइज इसी तरह से हिज कंडमनेशन ऑफ मिल्टन, उसका मिल्टन की मुसम्मत करना, एंड डेट ऑफ शेले और शेले कैन हार्डली बी कॉल्ड साउंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कैन हार्डली बी कॉल्ड बड़ी मुश्किल से कहा जा सकता है साउंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दुरुस्त अदबी तनकीद नगारी। वेन इलियट स्कॉफ्स एट आर्नोल्ड फॉर बीइंग एन ओवरवर्क्ड इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, जब इलियट आर्नोल्ड पर तंस करता है फॉर बीइंग एन ओवरवर्क्ड, ताकत से ज्यादा काम लेने की वजह से इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के इंस्पेक्टर्स के तौर पर, ही ड्रिफ्ट्स अवे फ्रॉम प्रॉपर क्रिटिसिज्म, तो वो मुनासब तनकीद नगारी से दूर चला जाता है, एंड स्टूप्स टू पर्सनल इन्वेक्टिव, और जाती लानत मलामत की तरफ झुकता है। मोर ओवर मजीद ही डज नॉट जज ऑल बाय द सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रिटिसिज्म, मजीद वो परखता नहीं है तमाम बाय द सेम स्टैंडर्ड्स उन्हीं मेयारों की बिना पर ऑफ क्रिटिसिज्म तनकीद नगारी के। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर इन हिज एसे ऑन डांटे ही, मिसाल के तौर पर वो अपने ऐसे में दांते पर ही वो रिमार्क्स राय देता है डेट नॉलेज ऑफ द आइडियाज एंड बिलीव्स ऑफ अ पोएट, कि एक शायर का अकीदा, शायर के अकायद और तसव्वुरात का इलम आर नॉट असेंशियल फॉर द एप्रिशिएशन ऑफ हिज पोएट्री, उसकी शायरी की दाद या तहसीन के लिए जरूरी नहीं है।
but he condemns Shelley for his repellent ideas. लेकिन वो शैले की मुजम्मत करता है उसके लागवार तसव्वुरात की वजह से. Furthermore, मजीद बरा, there is an element of didacticism in his later essays. उसके बाद के मजामीन में didacticism, मुअल्लमाना तर्ज का जुस मौजूद है. And with the passing of time, his critical faculties were more and more focused on social problems. And with the passing of time, aur waqt guzarne ke saath, his critical faculties, uski tanqeedi qabiliyatein, salahiyatein, were more and more focused, zyada se zyada markooz thin, on social problems, muasharti masail par. Some critics have also found fault with his style as too full of doubts, reservations and qualifications. कुछ तनकीद नगारों ने have also found fault उस के with his style, उसके अंदाज में भी fault पाया है, खामी गलती पाई है. As too full of doubts, जैसा कि बहुत ज़्यादा वो full हैं, भरे हुए हैं doubts से, शकूक व शुभा से, reservations तहफ़्फ़ुज़ात से, and qualifications और काबिलियतों से भरे हुए हैं. However, these faults do not detract from Eliot's greatness as a critic. तहम ये गलतियाँ, ये नुकायस do not detract, कम नहीं होते Eliot के greatness, Eliot की greatness को, अजमत को कम नहीं करते. As a critic, एक तनकीद निगार के तौर पर, his criticism offers both a reaction and reassessment. उसकी तनकीद नगारी पेश करती है दोनों, रद्द अमल और दोबारा जांच पेश करती है. Through his practical criticism, अपनी अमली तनकीद नगारी के जरिए, Eliot has brought about a revolution of the great literary names of the past three centuries. Eliot लाया है, इनकलाब लाया है, of the great literary names, अजीम अदबी नामों में, of the past, माजी की तीन सदियों के. His recognition of the greatness of John Donne, उसकी John Donne की असमत की पहचान, and the other metaphysical poets, और दूसरे माफूकुल फितरत शायरों, of the 17th century, 17वीं सदी के, resulted in the metaphysical revival of the 20th century. नतीजे की सूरत में निकले metaphysical revival, मफूकुल फितरत तजदीद of the 20th century, 20वीं सदी की मफूकुल फितरत तजदीद की सूरत में निकले. The credit for the renewal of interest in the metaphysical and the Jacobean dramatists must go to Eliot and Eliot alone. The credit for the renewal ka tajdeed ka sehra ki izzat of interest dilchaspi ki in the metaphysical mein mafukul fitrat mein aur Jacobean drama nigaron must go to Eliot and Eliot alone. सिर्फ Eliot को ही जाता है. Similarly, he has resorted the rightful place of Dryden. इसी तरह से उसने इख्तियार किया है दुरुस्त मकाम Dryden का. And the other Augustan poets in the hierarchy of the English men of letters. And the other Augustan, और दूसरे Augustan शायरों, in the hierarchy में, दर्जा बंदी में, पेशवाई में, of the English men of letters, अंग्रेज खूबियों के मालक जो थे, मुख्तलिफ खूबियों के men of letters, खसूसियात या खूबियों के हामल अंग्रेजों की
दर्जा बंदी में अगस्टन दूसरे शायरों के मकाम को उसने इख्तियार किया है अकॉर्डिंग टू ब्रेडब्रुक। ब्रेडब्रुक के मुताबिक इलियट्स क्रिटिकल एसे ऑन डांटे रिजल्ट नॉट ओनली इन अ ग्रेटर एप्रिशिएशन ऑफ द इटालियन पोएट। इलियट्स क्रिटिकल एसे दांते पर इलियट का तनकीदी मजमून ना सिर्फ एक अजीम दाद है तहसीन है इटालियन पोएट के लिए बट इट आल्सो अरोस्ट कीन क्यूरियोसिटी, बल्कि इसने एक गहरी गहरा तजस्स बेदार किया एंड एंथुजियम और वलवला बेदार किया फॉर द लेटर मिडल एज बाद के क्रूने वस्ता के लिए। वी मे नॉट समटाइम्स एग्री विद हिज व्यूज, हो सकते हैं कि बाज़ औक़ात हम उसके नज़रियात उसके ख्यालात से इतफाक ना करें, बट देयर कैन बी लिटल डाउट, लेकिन थोड़ा सा शक हो सकता है डेट ही इज हाईली ओरिजिनल, कि वो इंतहाई असली है एंड थाट प्रोवोकिंग और फिक्र अंगेज है। द नॉवेल्टी ऑफ हिज स्टेटमेंट्स काउच्ड इन हिज ट्रेंचेंट फ्रेजेस, द नॉवेल्टी ऑफ हिज स्टेटमेंट्स उसके बयान में नयापन काउच्ड इन हिज ट्रेंचेंट उसके पुरजोश उसके जोश में बयान किया गया उसके जोश में बयान किया गया ट्रेंचेंट फ्रेजेस उसके पुरजोश जुमलों में बयान किया गया स्टार्टल्स एंड अरेस्ट्स अटेंशन चौंका देता है और तवज्जो पकड़ता है। ही शेड न्यू लाइट ऑन अ नंबर ऑफ इंग्लिश राइटर्स, ही शेड न्यू लाइट उसने एक नई रोशनी बहा दी ऑन अ नंबर ऑफ इंग्लिश राइटर्स बड़ी तादाद में अंग्रेज मुसन्निफीन की एंड मेड देम लुक एंटायरली डिफरेंट और उनको बना दिया मुकम्मल तौर पर पूरी तरह से मुख्तलिफ दिखाई देने वाला। अकॉर्डिंग टू इलियट, इलियट के मुताबिक द एंड ऑफ क्रिटिसिज्म इज टू ब्रिंग अबाउट अ रीएडजस्टमेंट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू। द एंड ऑफ क्रिटिसिज्म तनकीद नगारी का इख्तिताम इज टू ब्रिंग अबाउट वजह बना है और रीएडजस्टमेंट की तरतीब नाव की बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू पुराने और नए के दरमियान। इन दिस रिगार्ड्स हिज ऑन क्रिटिसिज्म परफॉर्म्स दिस फंक्शन टू अ नाइसिटी, इस एतबार से इस लिहाज से उसकी अपनी तनकीद नगारी सर अंजाम देती है इस काम को टू अ नाइसिटी उमदगी की हद तक। इलियट से इलियट कहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम इट इज डिजायरेबल, वक्त के साथ साथ ये पसंदीदा है डेट सम क्रिटिक शेल अपीयर टू रिव्यू द पास्ट ऑफ आवर लिटरेचर, कि कुछ तनकीद नगार शेल अपीयर जाहिर होंगे टू रिव्यू करने के लिए जायजा लेने के लिए द पास्ट ऑफ आवर लिटरेचर हमारे लिटरेचर के माजी का एंड सेट द पोइट्स एंड द पोएम्स इन अ न्यू ऑर्डर और शायरों और नज़मों को एक नई तरतीब में रख देंगे। हाउएवर सच क्रिटिक्स आर रेयर, तहम ऐसे तनकीद नगार नायाब हैं। जॉन हेवर्ट सेज मैथ्यू आर्नल्ड वाज सच अ क्रिटिक एज वर कॉलेज एंड। जॉन हेवर्ट कहते हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड वाज सच अ क्रिटिक एक ऐसा तनकीद नगार था जैसा कि थे कॉलेज और जॉनसन एंड ड्राइडन बिफोर हिम उससे पहले एंड सच इन आर ओन डे और ऐसा ही हमारे अपने जमाने में इज इलियट हिमसेल्फ बजाते खुद इलियट है। इलियट्स री एस्टिमेशन ऑफ द ड्रामेटिस्टस एंड पोइट्स ऑफ द 17th सेंचुरी रिमेन्स अनराइवल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। इलियट का दोबारा तखमीना लगाना ड्रामा निगारों का और शायरों का ऑफ द 17th सेंचुरी 17वीं सदी के ड्रामा निगारों और शायरों का रिमेन्स अनराइवल्ड बेमिसाल रहता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म की तारीख में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, ये बात काबिल ज़िक्र है
that Eliot's practical criticism offers a reassessment of earlier writers. ये बात काबिले जिक्र है, अहम है यहाँ पर नोट करना कि Eliot का practical criticism offers पेश करती है a reassessment, दोबारा जांच of earlier writers, पहले के मुसन्नफीन की. His theoretical criticism represents a reaction to romantic and Victorian critical creed. उसकी ख्याली तनकीद नगारी पेश करती है एक रद्द अमल to romantic and Victorian, रोमानवी और Victorian critical creed, तनकीदी मजहब की. He called himself a classicist in literature. उसने खुद को क्लासिक की अदबियात का आलम कहा है. एंड वन ऑफ हिज इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस इज द रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म एंड ह्यूमनिज्म. और वन ऑफ हिज इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस, उसके खिदमात में से, अहम खिदमात में से एक रिएक्शन है, रद्द अमल है रोमानियत और इंसान दोस्ती, और इंसान दोस्ती के खिलाफ. दिस रिएक्शन वॉज स्टार्टेड बाई T.E. Hume. Eliot कैरीड इट ऑन. यह रद्द अमल T.E. Hume से शुरू हुआ, Eliot ने इसे जारी रखा, एंड दस ब्रॉट अबाउट अ क्लासिकल रिवाइवल बोथ इन आर्ट एंड क्रिटिसिज्म. और इस तरह से क्लासिकल तजदीद लाया दोनों में, आर्ट और तनकीद नगारी में. He rejected the romantic view of the perfectibility of the individual. उसने reject कर दिया, रद्द कर दिया the romantic view, रोमानवी नजरिया of the perfectibility, तकमील पजीरी का of the individual, फर्द की. Stressed the doctrine of the original sin, असली गुनाह के नजरिया पर जोर दिया. एंड एक्सपोज द हॉलोनेस ऑफ द रोमांटिक फेथ इन द इनर वॉइस, और अंदर की आवाज यानी जमीर की आवाज में रोमानवी अकीदे के खोखलेपन को बेनकाब कर दिया. ही स्ट्रेस्ड दैट अ क्रिटिक मस्ट फॉलो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स. उसने जोर दिया कि एक तनकीद नगार को हकीकी मियारात की पैरवी करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ मेयरली हिज इनर वॉइस, बजाय महज अपनी अंदरूनी आवाज की. अ क्रिटिक मस्ट कन्फॉर्म टू ट्रेडिशन, एक तनकीद नगार को रवायत के मुताबिक होना चाहिए. अ सेंस ऑफ ट्रेडिशन, अ रिस्पेक्ट फॉर ऑर्डर एंड अथॉरिटी इज एट द कोर ऑफ Eliot's क्लासिसिज्म. अ सेंस ऑफ ट्रेडिशन, रवायत का शऊर, रिस्पेक्ट फॉर ऑर्डर एंड अथॉरिटी, हुक्म और इख्तियार के लिए इज्जत, इज एट द कोर, मरकजी हिस्सा है ऑफ Eliot's क्लासिसिज्म, Eliot की क्लासिसिज्म का. एंड इन दिस रिस्पेक्ट द एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, मजमून ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज द मैनिफेस्टो ऑफ हिज क्रिटिकल क्रीड, उसके तनकीदी अकीदे का मंशूर है. इन दिस वे, इस तरह से हिज क्रिटिसिज्म इज द कोरेक्टिव टू द एक्सेंट्रिसिटी एंड वेवर्डनेस ऑफ द कंटेम्प्रेरी इम्प्रेशनिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म. इन दिस वे, इस तरह से हिज क्रिटिसिज्म, उसकी तनकीद नगारी कोरेक्टिव है, ठीक करने वाली है, दुरुस्त करने वाली है टू दी एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी को, बेकायदगी को, नरालेपन को, एंड वेवर्डनेस और बददमागी को ऑफ द कंटेम्प्रेरी हम असर इम्प्रेशनिस्टिक स्कूल, तासराती स्कूल की ऑफ क्रिटिसिज्म, तनकीद नगारी की, तनकीद नगारी के स्कूल की. एंड व्हाट ही कंटेम्पचुअसली कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटेलेक्चुअल, और जिसे वो
मुतकबराना तौर पर कहता है द एब्स्ट्रैक्ट ख्याली और अकली स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म represented by Arnold की तरफ से पेश किया गया. Eliot believes that the critic must have a highly developed sense of fact. Eliot यकीन रखता है कि तनकीद नगार को आला किस्म का तरक्की याफ्ता सेंस शऊर रखना चाहिए of fact हकीकत का. And he must judge on the basis of these facts. और उसे इन हकायक की बुनियाद पर परखना चाहिए. With perfect detachment, मुकम्मल अलैदगी या जुदाई के साथ, and impartiality और गैर जानबदारी के साथ. Thus he sought to raise criticism to the level of science. इस तरह से उसने तलाश किया to raise criticism, criticism को बुलंद करना to the level of science, science की सतह तक. In his objectivity and scientific attitude, Eliot most closely resembles Aristotle. In his objectivity, अपनी जानबदारी में और scientific और science रवैये में, Eliot most closely resembles, बहुत करीब से मुशाबत रखता है Aristotle से, अरस्तु से. Eliot in this stress on facts, इस हकायक के stress पर, जोर पर, on comparison and analysis, मवासना और तर्जिया, has exercised a profound influence, एक गहरा असर किया है on the new critics, नए तनकीद नगारों पर. He started many new trends in English criticism, उसने English criticism में बहुत से नए रुझानात शुरू किए. A. G. George, Eliot's theory of the impersonality of poetry. Eliot का शायरी के लिए ला शख्सियत या गैर जाती नजरिया is the greatest theory on the nature of the poetic process. एक बहुत बड़ा नजरिया है on the nature of the poetic process, शायराना अमल की नौइयत पर. After Wordsworth's romantic conception of poetry, Wordsworth के शायरी के रोमानवी तसव्वुर के बाद, according to the romantics, poetry was an expression of the emotions. According to the romantics, रोमानवी लोगों के मुताबिक शायरी was an expression, शायरी एक इजहार है, of the emotions, जज्बात का. Wordsworth said that poetry was an overflow of powerful emotions recollected in tranquility. Wordsworth ने कहा कि शायरी was an overflow, कि शायरी एक overflow है, छलकना है, of powerful emotions, ताकतवर जज्बात का, recollected in tranquility, खामोशी में याद किए गए ताकतवर जज्बात का छलकना है. Eliot rejects romantic subjectivism. Eliot रद्द कर देता है रोमानवी दाखलियत को and propounds the revolutionary doctrine, और propounds पेश करता है, तजवीज करता है इनकलाबी नजरिया that poetry is not a letting loose of emotion, कि शायरी जज्बे को खो देने का नाम नहीं है, but an escape from emotions, बल्कि जज्बात से बच निकलना है. It is not an expression of personality, ये शख्सियत का इजहार नहीं है, but an escape from personality, बल्कि शख्सियत से बच निकलना है. He says, वो कहते हैं that the poet is merely a catalytic agent, के शायर महज एक अमल अंगेज एजेंट है, in the presence of which varied emotions fuse, जिसमें जिसकी मौजूदगी में मुख्तलिफ जज्बात पिघलते हैं, to form new holes, नए कुल बनाने के लिए. He also differentiates between the emotions of the poet.
as a person and the artistic emotion. He also differentiates वो भी फर्क करता है between the emotions of the poet, शायर के जज्बात के दरमियान as a person, एक शख्स के तौर पर और एक artistic emotion और फनकाराना जज्बे के तौर पर. And points out that the function of criticism, और निशानदेही करता है कि the function of criticism, तनकीद नगारी का काम, is to turn attention from the poet to his poetry, शायर से तवज्जो को मोड़ना है to his poetry, उसकी शायरी की तरफ. Thus his criticism is a corrective to the excessive of the biographical, historical and sociological schools of criticism. इस तरह उसकी तनकीद नगारी is a corrective, इसलाह करने वाली है to the excesses, ज्यादतियों का, of the biographical, सवाही, तारीखी और मुआशरती स्कूलों की तनकीद का. Eliot's views on the nature of poetic process are equally revolutionary. Eliot's के नजरियात on the nature of poetic process, शायर के process, अमल की नौइयत पर, are equally revolutionary, बराबर के इनकलाबी हैं. According to him, poetry is not inspiration, उसके मुताबिक शायरी वही या इल्हाम नहीं है. It is organization, ये एक तंजीम है. The poet's mind is like a receptacle in which a number of varied feelings, emotions and experiences are stored. शायर का ज़हन एक receptacle है, एक बर्तन है जिसमें a number of, बड़ी तादाद में मुख्तलिफ एहसासात, जज्बात और तजर्बात ज़खीरा हैं. The poetic process is the process of effusing these disparate experiences and emotions into new holes. The poetic process, शायराना अमल, is the process, अमल है, of effusing, निकालने का, खारिज करने का, इन मुख्तलिफ तजर्बात को और जज्बात को, into new holes, नई कुल में. Eliot, in his essays on the metaphysical poets, अपने ऐसे the metaphysical poets में writes, लिखता है, when a poet's mind is perfectly equipped for its work, जब एक शायर का ज़हन मुकम्मल तौर पर आरास्ता होता है अपने काम के लिए, इसके काम के लिए, यानी ज़हन के काम के लिए, it is constantly amalgamating disparate experiences. तो ये मुसलसल मलाता है मुख्तलिफ तजर्बात को, the ordinary man's experience, आम आदमी के तजर्बे को, is chaotic, बेतरतीब मादा, irregular, बेकायदा, fragmentary, टुकड़े टुकड़े, आम आदमी के तजर्बा है जो कि बेतरतीब, बेकायदा और टुकड़े टुकड़े है. बट इन द माइंड ऑफ द पोइट, वेरीड एक्सपीरियंसेस आर ऑलवेज फॉर्मिंग न्यू होल्स, लेकिन शायर के जहन में मुख्तलिफ तजर्बात आर ऑलवेज फॉर्मिंग, हमेशा बना रहे हैं न्यू होल्स, नई कुल. परफेक्ट पोइट्री रिजल्ट्स व्हेन देयर इज यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. परफेक्ट पोइट्री, मुकम्मल शायरी नतीजा है जब इतिहाद हो सेंसिबिलिटी का, इदराक का, इंस्टेड ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इदराक की अलहदगी की बजाय. द इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल फैकल्टीज, जज्बाती, अकली, तख्लीकी और तनकीदी सलाहियतें, मस्ट वर्क इन हार्मनी, हम आहंगी से काम करना चाहिए, टू प्रोड्यूस अ रियली ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, आर्ट के एक हकीकी अजीम काम को पैदा करने के लिए. अप टिल नाउ क्रिटिक्स हैड आइदर स्ट्रेस्ड अ प्लेयर एट प्लेयर, अब तक तनकीद नगारों ने या तो खुशी पर जोर दिया है और एट मॉरल एडिफिकेशन या इखलाकी इसलाह पर. अ ग्रेट पोएट इंस्ट्रक्ट्स एंड डिलाइट्स, एक अजीम शायर हदायत करता है और खुश करता है, बोथ एट, दोनों पर.
द सेम टाइम उसी वक्त में हाउ एवर फॉर इलियट द ग्रेटनेस ऑफ अ पोएम इज टेस्टेड तहम इलियट के लिए नज़म की अजमत इज टेस्टेड आजमाई जाती है बट बाई द ऑर्डर एंड यूनिटी लेकिन तरतीब और इतिहाद से इट इम्पोजेस ऑन द क्योटिक एंड डिस्पेरिट ये आयद करती है बेतरतीब मादा और मुख्तलिफ तजर्बात एक्सपीरियंसेस ऑफ द पोएट शायर के तजर्बात आयद करती है विमसेट एंड ब्रूक्स आर देयरफॉर राइट इन सेइंग ये कहने में विमसेट और ब्रूक्स हक बजान में हैं दुरुस्त हैं हार्डली सिंस द 17th सेंचुरी हैड क्रिटिकल राइटिंग इन इंग्लिश सो रेजोल्यूटली ट्रांसपोज्ड पोएटिक थ्योरी फ्रॉम द एक्सिस टू एक्सिस ऑफ प्लेयर वर्सेस पेन टू डेट ऑफ यूनिटी वर्सेस मल्टीप्लिसिटी हार्डली बमुश्किल 17वीं सदी से लेकर हैड क्रिटिकल राइटिंग तनकीदी राइटिंग रही है लिखाई रही है इन इंग्लिश अंग्रेजी में सो रेजोल्यूटली ऐसी मुस्तकिल मजाजी से ट्रांसपोज्ड पोएटिक थ्योरी शायराना नज़रिए को की तरतीब को बदला गया है फ्राम द एक्सिस ऑफ प्लेयर एक्सिस ऑफ प्लेयर खुशी के महवर से वर्सेस पेन बमकाबला तकलीफ टू डेट ऑफ यूनिटी यूनिटी इतिहाद बमकाबला मल्टीप्लिसिटी कसरत के साथ इन दिस वे इस तरह से इलियट्स थ्योरी ऑफ पोएट्री मार्क्स अ ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन इलियट का नजरिया ऑफ पोएट्री शायरी का मार्क्स अ ब्रेक एक वक्फे की निशानदेही करता है फ्रॉम ट्रेडिशन रवायत से एंड गिव्स अ न्यू डायरेक्शन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को एक नई समत देता है इलियट हैज फॉर्मुलेटेड अ नंबर ऑफ न्यू क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स इलियट ने बड़ी तादाद में नए तनकीदी तसव्वुरात तजवीज किए हैं विच हैव गेन्ड वाइड करेंसी जिसने वसी तर करेंसी हासिल की है एंड एक्सरसाइज्ड अ फॉर रीचिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्रिटिसिज्म एवर सिंस और उस वक्त से लेकर एक्सरसाइज्ड अ फॉर रीचिंग दूर तक पहुंचने वाला असर किया है ऑन क्रिटिसिज्म तनकीद नगारी पर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी ऑब्जेक्टिव हकीकी को रिलेटिव बाहमी तलक एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी अदराक की अलहदगी जुदाई यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी अदराक का इतिहाद आर ओनली अ फ्यू ऑफ द इलियट्स क्लिशेस सिर्फ चंद एक इलियट के फरसूदा हैं विच हैव बिन हॉटली डिबेटेड जिनकी गर्मजोशी से जिन पर बहस की गई है बाय अ होस्ट ऑफ क्रिटिक्स अ होस्ट बड़ी तादाद में तनकीद नगारों ने इस पर गर्मजोशी से बहस की है हिज डायनामिक थ्योरी ऑफ ट्रेडिशन रवायत का उसका मुतहरक नजरिया थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट्री शायरी की ला शख्सियत का नजरिया हिज इंसिस्टेंस ऑन अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ फैक्ट हकीकत के आला तरक्की याफ्ता शऊर पर उसका इसरार ऑन द पार्ट ऑफ द क्रिटिक तनकीद नगार की तरफ से हैव ऑल टेंडेड टू इम्पार्ट टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म सब माइल हुए हैं टू इम्पार्ट अता करने के लिए टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म को बोथ कैथोलिसिटी एंड रैशनलिज्म दोनों चीज़ें अफाकियत और माकूलियत अता करने के लिए टू कंक्लूड वी कैन से नतीजा अखज करते हुए हम कह सकते हैं डेट इलियट्स इन्फ्लुएंस एज अ क्रिटिक कि इलियट का एक तनकीद नगार के तौर पर असर हैज़ बिन वाइड वसी तर है वसी है एंड ऑल प्रवेसिव
और तमाम जज़्ब होने वाला है एंड कंटिन्यूइंग और जारी रहने वाला है. ही हैज़ करेक्टेड एंड एजुकेटेड द टेस्ट ऑफ हिज रीडर्स. उसने अपने कारीन के ज़ौक को दुरुस्त किया है और तालीम याफ्ता बनाया है. एंड हैज़ ब्राट अबाउट रीथिंकिंग और दोबारा सोचने की वजह बना है. रिकॉर्डिंग द फंक्शन ऑफ पोइट्री पोइट्री के काम के इतबार से एंड द नेचर ऑफ द पोइट्रिक प्रोसेस और शायराना अमल की नौइयत बना है. ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू ओरिएंटेशन. उसने एक नई रुख बंदी को मुतारफ कराया. न्यू क्रिटिकल आइडियाज नए तनकीदी ख्याल से एंड न्यू टूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म और तनकीद निगारी के नए औजारों से मुतारफ करवाया. हिज इन्फ्लुएंस एज अ क्रिटिक हैज़ बिन मोस्ट फ्रूटफुल एंड इंस्पायरिंग. एक तनकीद निगार के तौर पर उसका असर बहुत ज़्यादा फलदार जरखेज और मुतासर करने वाला रहा है. जॉन हेवर्ड सेज जॉन हेवर्ड कहता है नो क्रिटिक इन डीड सिंस कॉलेज हैज़ शोन मोर क्लियरली द यूज ऑफ पोएट्री एंड ऑफ क्रिटिसिज्म. नो क्रिटिक किसी तनकीद निगार ने दर हकीकत कॉलेज से लेकर हैज़ शोन मोर क्लियरली ज़्यादा वाज तौर पर नहीं दिखाया है द यूज़ ऑफ पोएट्री शायरी का इस्तेमाल और तनकीद निगारी का इस्तेमाल. जॉर्ज वाटसन राइट्स जॉर्ज वाटसन लिखता है इलियट मेड इंग्लिश क्रिटिसिज्म लुक डिफरेंट. इलियट ने इंग्लिश क्रिटिसिज्म को मुख्तलिफ दिखाई देने वाला बना दिया बट नॉट इन अ सिंपल सेंस लेकिन सादा लिहाज से नहीं. ही ऑफर्ड इट अ न्यू रेंज ऑफ रिटोरिकल पॉसिबिलिटीज. उसने इसे एक नई हद पेश की रिटोरिकल पॉसिबिलिटीज की खतीबाना अमकानात की. कन्फर्म्ड इट इन इट्स इंक्रीजिंग कंटेंप्ट. इसकी बढ़ती हुई जिल्लत को कन्फर्म किया पक्का किया फॉर हिस्टोरिकल प्रोसेस तारीखी अवामल के लिए एंड येट रीशेप्ड इट्स नोशन ऑफ और अलबत्ता रीशेप्ड दोबारा शक्ल दी इसके नज़रिए को ऑफ के पीरियड बाय अ हैंडफुल ऑफ ब्रिलियंट इंट्यूशंस पीरियड दौरानिया बाय अ हैंडफुल मुट्ठी भर ब्रिलियंट इंट्यूशंस शानदार अलहामू से वजदान से. इट इज़ नॉट टू बी एक्सपेक्टेड इसकी तवक्को नहीं की जा सकती दैट सो एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल एंड ऑब्जर्वर ऑफ पोइट्री शुड अलो हिज अचीवमेंट टू बी मोर रियली क्लासिफाइड देन दिस. इट इज़ नॉट टू बी एक्सपेक्टेड इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती कि इतना बड़ा माहिर और पेशावर एक ऑब्जर्वर मुशाहदा करने वाला पोएट्री शायरी का शुड अलाउ इजाजत देनी चाहिए हिज अचीवमेंट उसके बहादुरी के काम की उसके कारनामे के लिए टू बी मोर नियरली क्लासिफाइड ज़्यादा मखसूस होने के लिए ज़्यादा दर्जा बंद होने के लिए दैन दिस इससे. हिज कमेंट्स ऑन द नेचर ऑफ पोएटिक ड्रामा उसका तबसरा उसकी राय पोएटिक ड्रामा शायराना ड्रामे की नौइयत पर एंड द रिलेशन बिटवीन पोएट्री एंड ड्रामा और शायरी और ड्रामा के दरमियान तअल्लुक हैव डन मच टू ब्रिंग अबाउट बहुत ज़्यादा काम किया है टू ब्रिंग अबाउट अ रिवाइवल ऑफ पोएटिक ड्रामा पोएटिक ड्रामा की तजदीद की वजह बनने के लिए. इन द मॉडर्न एज जदीद दौर में There is hardly any critic now. अब बमुश्किल ऐसा तनकीद नगार है who does not bear the stamp, जो stamp ना रखता हो of his influence, उसके असर की मोहर ना रखता हो. Even if he had written no poetry, even if यहाँ तक कि अगर उसने शायरी नहीं लिखी है he would have made his mark as a distinguished तो उसे मशहूर करना चाहिए नामवर उसे ही वुड हैव मेड हिज मार्क अपने काम को नामवर बनाना चाहिए एंड सटल क्रिटिक
और एक आयार तनकीद नगार बना देना चाहिए. ही वुड हैव मेड हिज वर्क. तो अगर इवन इफ ही हैड रिटन नो पोएट्री, यहां तक कि उसने शायरी नहीं की, ही वुड हैव, हो सकता है कि वो बन जाता हिज मार्क अपने निशान में, अपने काम में एक नामवर और आला तनकीद नगार बन जाता. मतलब उसने पोएट्री नहीं की, अगर उसने पोएट्री की होती तो वो एक नामवर और अय्यार किस्म का तनकीद नगार बन जाता. ये स्टूडेंट्स, इसके साथ ही इलियट एज अ क्रिटिक का क्वेश्चन ख़त्म होता है. तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.